हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स किस तरह से आज की ट्रेडिंग अभी रही है और फर्दर क्या रिएक्शन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मॉर्निंग में मैंने आपके साथ क्लियर कट बोला था कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी सी कम बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप बाइंग साइड जाते हैं तो एक सर्टेन लेवल के बाद में आपको रिस्क रिवार्ड मैनेज करना पड़ सकता है। तो उसके साथ ही अगर आप देखेंगे लगातार डाउन ट्रेंड में मार्केट बना हुआ और ज़बरदस्त मूव रही है नीचे की तरफ। हम चलते हैं सीधे चार्ट पे, लेकिन उससे पहले आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हाँ, आपके साथ काफ़ी कुछ कंटेंट मिलते रहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसके साथ नेक्स्ट उसमें अगर देख लेते हैं तो कंडीशन जो यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर उस कंडीशन को हम देख लेते हैं तो आपके साथ जो मैंने शेयर किया था, अगर उसको आप वीडियो को मॉर्निंग में देखे होंगे तो हमारी तरफ से जो आपके लिए इंडिकेशन दिया गया था कि पहला सपोर्ट इसके लिए जो इसने बना रखा था ये था हमारे लिए 71,200 के नीचे निकलेगा तो ये एक रेंज में बनने वाला था। तो आप देखेंगे लगातार एक रेंज में ट्रेड किया है और उसके बाद जो ब्रेक डाउन किया है लगभग 1 बजे के अराउंड में किया, फिर एक पुल बैक लगा के EMA का सपोर्ट लेके डाउन साइड फर्दर आ गया। और यहाँ पे जो हाँ लोअर साइड आया, अगर आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपने इसको यहाँ से अंडरस्टैंड किया होगा क्यों ऐसा मूव यहाँ पे बनता हुआ आपके लिए दिखाई पड़ा है। अब इसके बाद में अगर यहाँ से फर्दर ये नीचे निकलता है, जो 500 के नीचे निकलेगा, तो आपके लिए 381 का लेवल है, उसके बाद में आपके लिए फिर 70,000 का लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फाइनली अभी हमारा जो मेन यहाँ पे अपने अगर सेल साइड पर छोटी देख रखी तो 800 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप उसके साथ ही देख रहे हैं तो अभी फर्दर इसमें डाउन मूव आपको एक मिल सकती है, पॉजिटिव होप में अभी थोड़ा सा हम कम बने हुए हैं। अब इसके साथ में 4 आवर सेटअप में अगर हम फ्रेंड्स देखने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो 4 आवर सेटअप में भी कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न बनाने के साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से जो ये फॉल हुआ था उसके बाद में लगातार एक छोटी सी कैंडल बनती है, फिर दोबारा नीचे आता है। एक इन दोनों कैंडल को अगर आप देखते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट फिर दोबारा से मूव हो गया डाउन साइड में। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क करता हुआ चल रहा है। यहाँ पे इतना टाइम बिताने के पीछे जो रीज़न था वो सिंपल सा, ये यहाँ से पीछे ये रीज़न था। अब इसके लिए जो ये 22 को यहाँ पे मूव किया था इसने, लगभग उसी लेवल पे आके ये खड़ा हो गया है। तो यहाँ से भी देखेंगे, अगर आप कारण जानना चाह रहे हैं क्या रीज़न है इसके पीछे, तो रीज़न सिंपल सा है, फेड का डेटा, उसका एक्सपेक्ट जो लोगों को उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उससे अभी सर इतना अच्छा मूव मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। साथ में जो अभी भी फर्दर कुछ नए डेटा आ रहे हैं उसमें भी अभी मार्केट की तरफ डाउन ट्रेंड का ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको सिंपल सा रेंज को फॉलो करना है, कंटिन्यू लोअर साइड में बनी हुई है तो हमें लोअर साइड का ही प्रेडिक्शन अभी फिलहाल के रखना है। थोड़ा अप एंड डाउन करेगा मार्केट तो वहाँ आपको स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 70,386 के बाद में सीधा 70,000 का लेवल है, उसके बाद में ये जो छोटी सी कैंडल बनी है इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। तो होपफुली मार्केट 70,000 को ब्रेक नहीं करता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अभी ऐसी कोई कंडीशन बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही कि 70,000 के आसपास ये जाके मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा रहेगा आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, लेकिन आपको लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग आपकी हो जाएगी। अगर आपको लर्न करना है तो सिंपल सा एक लॉट से ट्रेड करेंगे तभी आपकी लर्निंग बन सकती। अब यहाँ पर देख रहे हैं लगातार कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो अभी पॉजिटिव में नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। और साथ में हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंडीशन जो बनी हुई है, अगर उसका कंडीशन को आप देख रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। इसने इतनी ज़बरदस्त रैली दिखाई थी तो होपफुली यहाँ पे थोड़ा मार्केट आएगा तो रुकेगा, उसके रुकने के बाद ही इसमें फर्दर कुछ डिसाइडिंग मूव होने के चांसेस बनेंगे। अब जो हमारे लिए सपोर्ट हुआ करते थे वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि इसके लिए 71,200 का लेवल है और उसके बाद में ये यहाँ पे 70,900 का लेवल है। तो ये सारे लेवल सभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। नीचे एक बार इसको यहाँ तक आएगा, उसके बाद में हो सकता है एक रिवर्सल का प्लान करें। रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने साथ ही एंट्री एग्जिट का प्लान करिए। आप ट्रेड तभी करिए फुल अमाउंट के साथ में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड करते हैं वो अपने अमाउंट लेके निकल जाते हैं और
अभी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डाउन ट्रेंड का ही मार्केट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा अपर साइड के लिए अभी ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बनी हुई। इसके आसपास आता है तभी इसमें कुछ कंडीशन हो सकता है रिवर्स बनने की कोशिश करें। तो 400 से 500 पॉइंट फर्दर अभी इसमें एक मूव डाउन साइड का हो सकता है आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छी है अगर आप देखेंगे तो, अभी मार्केट ट्रेंड में है, डाउन है वो भी, पॉजिटिव में अभी थोड़ा सा होप कम लग रहा है। जिन्होंने बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी बना रखी है उनके लिए मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि जो 71,800 मैक्सिमम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा, उसके बाद में 1,000 पॉइंट का नीचे टारगेट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर ट्रेड कर रहे हो, होपफुली आपको प्रॉफिट में होंगे, अदरवाइज आपको अगर होप बेस्ड ट्रेडिंग करना है तो लॉस होना यहाँ पे मस्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। लर्न करने पे मेन फोकस करिए, अर्निंग अपने आप हो जाती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।